आते ही पहले बंदूक दिखाई, पैसे पूसे छीने, फिर मेरा मुंह एकदम घुमा दिया, इधर बांध दिया पीछे, फिर और ये अलमारी उलमारी सारी इधर उधर जो उन्होंने कर सकते थे वो सब किया जी। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के नमस्ते चौक से, जहां आप देख सकते हैं गुप्ता टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 1 लाख रुपए की लूट हो जाती है। बताया जा रहा है कि कल 8:30 बजे के करीब रात का समय, और ये रोड देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे लगता है, आगे नमस्ते चौक है जहाँ पर ये रोड लगातार चलता रहता है, और 8:30 बजे का टाइम जो है ऐसा टाइम होता है जब ज्यादातर वाहन निकल रहे होते हैं, उस वक्त 2 नकाबपोश यहाँ पर आते हैं बंदूक की नोक पर, तमंचे की नोक पर। बताया जा रहा है कि तमंचे की नोक पर जो है 1 लाख रुपए की लूट कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये जब वो 2 नकाबपोश बताए जा रहे हैं कि स्प्लेंडर बाइक है उनके पास, और दोनों लड़के हैं और अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के जो बात बताया जा रहा है कि जो ये शटर है इसको अंदर से बंद कर लेते हैं, और ये जो लाइट नजर आ रही है यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइट के बटन बंद करते हैं, और जो अंदर बैठे हुए थे यहाँ पर उनको जो है हाथ पकड़कर उनका मुंह पीछे की तरफ कर देते हैं, जिसके बाद 1 लाख रुपए तक बताए जा रहे हैं कि वो लूट कर ले गए। दोनों ने बताया जा रहा है कि अपना मुंह कवर किया हुआ था, ढका हुआ था, नकाब पोश थे। 1 लाख रुपए की लूट जो है उन्होंने इनसे की है। जानकारी ले लेंगे कि क्या कुछ है। नमस्ते चौक पर ये दुकान है, सामने ऐसी रोड है, सामने नेशनल हाईवे है जहाँ लगातार जो वाहन है वो चलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और फिलहाल जानकारी ले लेंगे। सर क्या हुआ था आपके साथ, कैसे वो लोग अंदर आए थे? जैसे मैं यहाँ बैठा था, अपना काम कर रहा था, थोड़ी देर पहले मेरे 2-3 ड्राइवर गए थे, बस मैं बैठा था, मैं काम कर रहा था, एक बिल्टी फाड़ के मेरे को कंपनी में देना था, मैं बस वो फाड़ के जाने ही वाला था। उतने में इधर सामने से 2 लड़के आते, एकदम शटर घेरते हैं, मतलब पहले मेरे को बंदूक लगाते, फिर दूसरा लड़का शटर घेर देता है। बस बंदूक लगाने के बाद मैं तो कुछ बोल पाया ही नहीं। देसी पिस्टल वगैरह थी वो? हाँ, जो देसी वो लोहे का होता है ना जी, पिस्टल बोलते, पता नहीं क्या बोलते, भगवान जाने। वो जी जिस टाइम मेरे पास आए थे उस टाइम मैंने उनके पास कोई व्हीकल देखा नहीं था, जब हमने यहाँ पे कैमरा चेक किया तो उसमें उनके पास स्प्लेंडर बाइक थी जी, वो साइड में खड़ी करके आए थे। तो क्या मुंह ढक के आए थे वो? हाँ जी, मुंह पे रुमाल बांध रखा था। कितने बजे का मामला है ये जी? 8:15 बजे के आसपास का जी, 8:15 बजे। 8:15 बजे का मामला? हाँ जी। तो पुलिस वाले इसमें कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, मैंने उसी टाइम मेरा हाथ बांध रखा था, 50,000 मेरी पिछली जेब में थी, यहाँ से निकाल के इसमें से लेके 50,000 रुपये, और मैंने तुरंत तुरंत ही मैंने जैसे ही बाहर निकला पहले अपने मोबाइल पे फ़ोन मारा कि भाई मेरा मोबाइल, एक दूसरा मोबाइल भी था मेरे पास, मुझे ऐसा लगा कि वो चुरा के ले गए, मगर वो चुरा के ले नहीं गए थे, सवेरे आके देखा तो यहाँ तोड़ के फेंक रखा था जी। हाँ, यहाँ पे रात में मैंने कंप्लेंट लिखाई सुबह। 1 लाख रुपये आपके पास कहाँ से आया था? 1 लाख रुपए मेरे पास जी, मेरे ट्रांसपोर्ट का काम था, मेरे गाड़ी को लेना देना होता है, मेरे पास खुद 5-7 गाड़ियां है, मेरे ड्राइवर परसों मुझे भाड़ा दे गया था, वो भी मेरे जेब में पड़ा था, 25,000 रुपये मुझे कल इन्होंने भी दिया था, वो भी पड़ा था, 18,000 रुपये मेरे एक ड्राइवर ने भी मुझे दिया था, करीब करीब 1 लाख से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर ही होगा। हाँ जी, 2 लड़के आए हैं, मुँह पे रुमाल लगा रखा था, आते ही उन्होंने मुझे वो दिखाया, उसके बाद वही मैंने किया जो एक बंदूक थी, ये तमंचा था, तमंचा ही होगा वो लोहे वाला जो होता है ना जी देसी, गोली भी दिखाई उसने, उसमें गोली भी थी जी, उन्होंने दिखाई कि ये देख गोली है इसमें, फटाफट मुंह घुमा ले नहीं तो तेरे गोली मार देंगे। तो पुलिस ने क्या आशीर्वाद दिया? आपने डर के मारे 1 लाख रुपए दे कुछ नहीं जी, अभी तक तो आते हैं वो उल्टा मुझे ही धमका रहे थे, कह रहे जी तुमने ये क्या सांग रचा है, ये तूने क्या सांग रचा है यहाँ पे, ये क्या दिखाना चाहता है, तेरा जरूर किसी से लेना देना होगा, कोई मैटर होगा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ जी, मेरे साथ सच में वारदात हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं परमात्मा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ भी हैं, मगर ये मेरे साथ गलत हुआ है जी, और वो भी कोई खास टाइम नहीं हो रहा था। तो कोई ना कोई रेकी हुई है आपके पास, यहाँ पर पैसा होता है, कोई ना कोई जानकार? पैसे तो जी मेरे पास होता ही है जी, मेरे ट्रांसपोर्ट का काम है, किसी को लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, अब किसी गाड़ी भराए उसको पैसे तो दूंगा, तेल तो भरवाऊंगा। आप तक यहाँ बैठते हैं? हाँ जी, मैं रोज रहता हूँ, 8:30, 8:30, 9 बजे तक रहता हूँ, रहता हूँ। हाँ, बस मैं जाने ही वाला था उससे, बस बैठाने की सोच ही रहा था, तभी वो आगे एकदम ही आगे। बस वही चाहता हूँ जी, उनको पकड़ा जाए जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार है जी। कहाँ जी सर? यहीं की है जी। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये जी अपना नमस्ते चौक, नियर जनता पेट्रोल पंप है, और ये यही करनाल जी नमस्ते चौक के पास। विकास कुमार है जी मेरा। तो दोनों लड़के ही थे, कुछ हुलिया वगैरह पता है आपको कैसे हैं, कैसे हैं चोर?
इतना मान लो मैं उस टाइम डर गया था, मैंने इतना गौर नहीं किया। बाकी दोनों लोकल लोकली थे, क्योंकि उनकी भाषा से पता चला था वो लोकल है। हाँ लोकल ही होंगे वो, और बिल्कुल ये मान लो 6 फुट की हाइट के होंगे। किसी चीज से आपको बांधा था, हाथ या खुद पकड़ा हुआ था, क्या था? जी यहाँ पे एक कपड़ा पड़ा हुआ था, वो कपड़ा कहाँ गया? ये रहे, ये रहे, ये रहे। नहीं ये तो ये तो यू चादर था, वो चादर था, चादर से बांध दिया आपको? चादर से मेरा हाथ बांध दिया। नहीं जी आते ही पहले बंदूक दिखाई, पैसे पूसे छीने, फिर मेरा मुंह एकदम घुमा दिया, इधर बांध दिया पीछे, फिर और ये अलमारी उलमारी सारी इधर उधर जो उन्होंने कर सकते थे वो सब किया जी। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि शायद किसी को जानकारी थी आपके पास, कोई लड़के ऐसे काम करते रहे हो पहले कभी, या कभी कोई जानकारी हो जी आपके पास पैसा रहता है कैश? मेरे पास हमेशा 30-40 हज़ार रुपये हर वक्त रहता है, रहता था, क्योंकि मेरे शाम को गाड़ियाँ जो लोड होके आती है उनको देना लेना करना पड़ता है। बस कल मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा था, 1 लाख के आसपास था। उस समय आपके पास कोई नहीं था, इस वजह से एक दुर्घटना हुई। बस आधे घंटे 15 मिनट पहले ये मेरे दोनों ड्राइवर गए, एक दूसरा लड़का आया, मैंने उसको 15 हज़ार रुपये दिए, अलग पैसे तो मेरे पास और थे, मैंने 15 हज़ार रुपये उसमें से उसको भी दिए, और वो भी चला गया, गाड़ी लोड करवाई थी उनकी लखनऊ की, उनको भी दिया, वो भी चले गए। उसके बाद बस मैं निकलने लगा, तभी ये काम हुआ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये घटना घटी, और ये चादर बताई जा रही है जिससे बांधा था, तो ये चादर है जो बताया जा रहा है जिससे पीछे की तरफ जो है हाथों को बांध दिया जाता है। अंदर घुसकर एक ने पहले जो है तमंचा दिखाया, बंदूक के अंदर जो गोलियां थी वो दिखाई, और इस शटर को बंद करा, लाइट बंद करी, जिसके बाद ये घटना यहाँ पर घटी है। फिलहाल आप ये जगह देख सकते हैं कि गुप्ता टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जहाँ पर एक बड़ी जो लूट है, जो ये दुकानदार है वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि दो कापो जो है यहाँ पर आए। बताया जा रहा है कि जब आगे उन्होंने कैमरा चेक किया है तो पता चला है कि उनके पास स्प्लेंडर बाइक थी, वो स्प्लेंडर बाइक पर आए थे, शायद उन्होंने बाइक जो है वो आगे खड़ी करी थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि करनाल के नमस्ते चौक के बिल्कुल पास ये जो है दुकान लगती है, जहाँ पर एक लाख रुपए की तमंचे की नोक पर लूट हो जाती है एक व्यक्ति को, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8:30-9 बजे तक रोजाना जो है वो रुकते हैं। और ये दुकान पीछे आप देख सकते हैं कि यही दुकानें यहीं पर जो है दोनों बताए जा रहे हैं कि नकापो शायद दोनों लड़के बताए जा रहे हैं, और दोनों ही शायद नौजवान लड़के हैं और मुंह जो है कवर किया हुआ था। ये दुकान देख सकते हैं गुप्ता टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस करनाल नमस्ते चौक की ये तस्वीरें। ये रोड लगातार जो है इसी तरीके से निकलता हुआ नजर आता है, जहाँ पर लगातार जो है वाहन गुजर रहे होते, और यहाँ पर ऐसी बहुत सी आगे भी जो है दुकानें हैं, ट्रांसपोर्ट की ही दुकानें हैं, जहाँ पर कैश का अमाउंट लगातार आता रहता है, क्योंकि काम ऐसा होता है। लेकिन एक बड़ी लूट हो जाती है करनाल में, करनाल सीएम सिटी में ये बड़ी लूट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति से जो है ये लूट हुई है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर ऐसे कोई भी जो है आप किन्हीं लड़कों को जानते हैं, कोई जानकारी रखते हैं, तो वो जरूर पुलिस तक पहुंचाएं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के नमस्ते चौक से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तमंचे की नोट पर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए तक की लूट जो है वो हो जाती है, जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंचती है। अब आगे की जांच जो है इस मामले में की जाएगी। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।